हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप भी अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करोगे। दोस्तों अपने फ़ोन को आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, दोस्तों अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको अपनी डिवाइस में क्या करना है फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले दोस्तों आप पावर बटन को ऐसे लॉन्ग प्रेस करोगे अपने फ़ोन पे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन जाएगा फ़ोन रीस्टार्ट करने का। तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट और पावर ऑफ कर सकते हो पावर बटन से, ठीक है। आपको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, आपका फ़ोन यहाँ पावर ऑफ होएगा और राइट साइड ग्रीन वाले पे आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बटन को यूज़ नहीं करेंगे फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए या पावर ऑफ करने के लिए। आपको फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। फिर दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पेशल फंक्शन का, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप फिर से स्क्रॉल डाउन करोगे, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे क्लिक करोगे। और यहाँ पर जो दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का, यहाँ पर आप इसको ऑन कर लो, ठीक है। दोस्तों अगर ये ऑफ है तो ऑन करने के लिए आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आया होगा, तो आपको पहले अलाउ करना है, फिर एक और नोटिफिकेशन आएगा, आपको गॉट इट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आप जो भी एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपके फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में एक मैन आइकन आ रहा होगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको राइट साइड में थ्री डॉट भी देखने को मिल रहे होंगे काफ़ी एंड्रॉइड फ़ोन में, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप शॉर्टकट सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, ब्राइटनेस सेटिंग को, वॉल्यूम सेटिंग को, स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, रिसेंट ऐप चेक कर सकते हो, असिस्टेंट सेटिंग है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है, फ़ोन पावर ऑफ सेटिंग है, तो स्क्रीनशॉट सेटिंग है, नोटिफिकेशन सेटिंग है, यहाँ पे क्विक सेटिंग को भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पावर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखते हो बिना पावर बटन को प्रेस करे अपने फ़ोन को यहाँ पे राइट साइड से रीस्टार्ट और यहाँ पे लेफ्ट साइड से पावर ऑफ कर सकते हो। दोस्तों अगर फ़ोन को पावर ऑफ करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन नहीं होएगा, आपको इसलिए रीस्टार्ट पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लॉन्ग प्रेस, दोस्तों आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा बिना बटन को यूज़ करे। दोस्तों बिना बटन को यूज़ करे आपका फ़ोन यहाँ पे ऑन भी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो दोस्तों कुछ सेकंड बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है, इस तरीके से मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा आपका फ़ोन बिना किसी पावर बटन या वॉल्यूम बटन को यूज़ करे, आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मान लो कभी आपका पावर बटन अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप इस वाले फीचर से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों पावर ऑफ मत करना, पावर ऑफ करने का आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा फिर, अगर आपका पावर बटन ख़राब है तो, ठीक है। तो आपको इसको रिपेयर करा लेना है, वरना फिर दोस्तों यहाँ पर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हो, पावर ऑफ मत करना, ठीक है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में जान से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। और दोस्तों और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम दोस्तों फ़ोन शॉर्टकट सेटिंग को लेकर, पावर ऑफ और रीस्टार्ट सेटिंग को लेकर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय दोस्तों।